चैनल कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मिनिमलिस्ट के एक सनस्क्रीन का रिव्यू, एंड दिस इज द मिनिमलिस्ट SPF 60 सनस्क्रीन। सो यस, ये मैंने क्यों बाय किया है, क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट और ये जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है ये प्रेगनेंसी सेफ सनस्क्रीन है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के ऐसे के फिजिकल फिल्टर्स नहीं डाले हुए हैं। दिस इज मेड बाय मिनरल फिल्टर्स एंड इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए हैं जो कि लाइक अगर आपकी ऑयली स्किन है, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा सनस्क्रीन में लगाऊं, लगाते ही ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, उसके लिए दिस इज द परफेक्ट सनस्क्रीन। एंड इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, दैट मींस कि लाइक इट्स माय थर्ड ट्राइमेस्टर और आई थिंक मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर से ही यूज करना इसको स्टार्ट कर दिया था। सो यस, मेरे फेवरेट सनस्क्रीन में डर्माको है, एक्वालॉजिका का है, बट वो आप प्रेगनेंसी में नहीं यूज कर सकते हो, तो इसके लिए आपको प्रेगनेंसी सेफ सनस्क्रीन ही यूज करना पड़ेगा। तो फटाफट इसकी पैकेजिंग एंड ऑल देख लेते हैं, देन मैं बताती हूँ इसका टेक्सचर एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो यस, दिस इज द आउटर बॉक्स पैकेजिंग। बात करें इसके की इंग्रेडिएंट की, तो इसके अंदर है सिलिमेरिन। सो ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बेसिकली लाइक सनस्क्रीन में होना ही चाहिए, जो कि आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। हाइलोनोरिक एसिड है, विटामिन ई है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला है, दैट मींस कि यूवी एंड यूवीबी दोनों रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। पीए 4 टाइम्स प्लस है एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। यस, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी फॉर श्योर इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे यूवी फिल्टर्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैं ये, लाइक इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है, सिलिकन नहीं है, पैराबिन नहीं है, डाइज नहीं है, मतलब काफी अच्छे से यहाँ पे मेंशन है कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कॉम्बिनेशन है न्यू एज हाईली इफेक्टिव सनस्क्रीन का, जो कि फोटो स्टेबल फिल्टर्स के साथ आता है। एंड यहाँ पे मेंशन भी है कि ये प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर जो होती है उनके लिए काफी ज्यादा सेफ सनस्क्रीन है। सो यस, बात करें इसके इनर ट्यूब की, सो ये इनर ट्यूब आपको मिलेगी। पहले इसकी पैकेजिंग डिफरेंट थी, अभी ब्रांड ने चेंज कर दिया है। एंड लुक एट द कंसिस्टेंसी, सो आपको देखने में थोड़ा सा थिक लग रहा है, बट जैसे ही आप इसको तरह से मेल्ट डाउन करोगे इजीली ये स्किन के अंदर सॉक इन हो जाता है, और इसको लगाने के बाद ना एक बहुत प्यारी सी फाइन सी शाइन लुक आती है फेस पे। सो यस, काफी अच्छा इसका मुझे कंसिस्टेंसी लगी। एंड ऑयली स्किन के लिए भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा आपका फेस ऑयली हो जाएगा, ग्रीजी हो जाएगा, बट यस, जो एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट लगना चाहिए स्किन पे वो लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हाइलोनोरिक एसिड है। सो हाइलोनोरिक एसिड बेसिकली एक तरह का ह्यूमेक्टेंट होता है जो आपके मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। सो यस, सनस्क्रीन के साथ साथ ये मैं आपको बोल सकती हूँ एज अ मॉइस्चराइजर क्रीम भी इसको यूज कर सकते हो। सो जनरली मैं जब इसको लगाती हूँ, अभी थोड़ी सी गर्मी होना स्टार्ट हो गई है, तो मैं मॉइस्चराइजर को स्किप करती हूँ, डायरेक्टली मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। सो इसके अंदर हाइलोनोरिक एसिड भी है जो एज ए ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करेगा, और बाकी सनस्क्रीन तो काफी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर SPF 60 है, दैट मीन्स कि 4 से 5 घंटे अगर आप 10 बजे भी लगा रहे हो ना, तो 2-3 बजे तक आपको रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे अच्छी बात की रीफ सेफ है, दैट मींस कि इसके अंदर ऑक्सीबेंजोन एंड ऑक्टिनॉक्सेंट नहीं है। एंड ऑल्सो दिस इज फ्री फ्रॉम OMC, बेक्सोफेनॉम एंड होमोसलेट। वी मस्ट से दिस इज प्योरली प्रेगनेंसी सेफ, एंड अगर आप न्यू मॉम है, फीड करवाती हैं, तो उसके लिए काफी सेफ प्रोडक्ट है ये। सो या, सो यस, मैं काफी आई थिंक 3 से 4 महीने से यूज कर रही हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है जो कि प्रेगनेंसी में हो जाती है, तो उसके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट ये रहेगा। एंड एक दो और सनस्क्रीन है मेरी नजर में जो कि प्रेगनेंसी सेफ है, तो मैं आप लोगों के साथ ऐसा वीडियो लेके आऊंगी कि प्रेगनेंसी सेफ प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उसके अंदर उनको भी इंक्लूड कर दूंगी। बट फिलहाल इस वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बहुत अमेजिंग सनस्क्रीन है। यस, मिनिमलिस्ट में SPF 50 एंड SPF 30 दोनों भी सनस्क्रीन आते हैं, बट वो आपको नहीं बाय करने हैं अगर आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि SPF जो 60 है यही प्रेगनेंसी में आपको प्योर मिनरल सनस्क्रीन ही यूज करने होते हैं, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।